बिहार के समस्तीपुर जिले की एक 8 साल की छोटी सी बच्ची का पढ़ाई के प्रति लगन देख आप भी हैरान रह जाएंगे। ये बच्ची दूसरे बच्चों के लिए प्रेरणा का सबब बन रही है। ये बच्ची जन्म से ही पोलियो से ग्रसित है, इसलिए इसका एक आंख और एक पैर काम नहीं करता है, फिर भी पढ़ाई के प्रति इसका लगाव लोगों को अचंभे में डाल रहा है। ये लड़की समस्तीपुर जिले के हसनपुरा प्रखंड के सिरसिया की रहने वाली है। इसका नाम समा प्रवीण है। यह हर रोज 1000 मीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है। जब वो एक पैर से उछलते हुए स्कूल जाती है तो सभी लोग भावुक हो जाते हैं, वहीं दूसरे बच्चे भी समा प्रवीण को देखकर प्रेरित होते हैं। इस बच्ची की इसी साल जुलाई में गांव के ही प्राथमिक कन्या विद्यालय में नामांकन हुआ है। समा गरीब परिवार से आती है। उसके पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और माँ खेतों में काम करती है। समा अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी है। उसके 2 भाई और 1 बहन भी है। समा अपने ननिहाल में ही रहती है। उसकी माँ ने बताया कि समा को बचपन से ही पढ़ने का ललक है। जब वो दूसरे बच्चों को स्कूल जाती देखती तो वो भी स्कूल जाने का इच्छा प्रकट करती थी, लेकिन पैर से अपाहिज होने के कारण उसकी माँ उसे स्कूल नहीं भेजती थी। लेकिन उसकी पढ़ाई का लगन देखकर उसकी माँ उसका स्कूल में नामांकन करा दी। वहीं स्कूल के प्रधानाचार्य ने कहा कि समा दूसरे बच्चों से अलग है, वह एकाग्र होकर पढ़ाई करती है। स्कूल में मिली टास्क वो हर रोज बनाकर आती है। वहीं वहाँ के वीडियो ने समा को मुख्यमंत्री दिव्यांग योजना के तहत व्हीलचेयर दिलाने की बात कही है। कहा है कि वो आवेदन करे अगर तो उसे व्हीलचेयर मिल सकता है। समा के पढ़ाई के प्रति रुचि देखते हुए सरकार को उसे उचित व्यवस्था देनी चाहिए, जिससे कि समा अपनी पढ़ाई की इच्छा को पूरी कर सके। समा प्रवीण के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आपको क्या लगता है, समा प्रवीण को आगे पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? इसकी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें। धन्यवाद। आप देख रहे थे DNDA न्यूज। मैं श्रीकांत भारत। जुड़ो दीक्षांत से, करो फ्री खुद को स्ट्रेस से। गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल्स।